खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां से हमें अनायतुल अंजम क्लेयर ने रिपोर्ट किया है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर मोहम्मद इलियास कोंदल का गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल और टीएचके अस्पताल मलकवाल का दौरा, तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर मोहम्मद इलियास कोंदल ने गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल और टीएचके अस्पताल मलकवाल का दौरा करके अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, ओटीपी, ईएमआर, डाटा एंट्री और फार्मेसी समेत सफाई सुथराई और सिक्योरिटी का जायजा लिया और वाहकीन से मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने स्टाफ की हाजिरी समेत ड्यूटी रोस्टर के बारे में भी मालूमात हासिल की। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल को तिब्बी सहूलियात के फराहमी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम ज़रूरी अद्वियात मुफ्त मौजूद हैं, किसी शिकायत की सूरत में फौरी अजाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स मरीजों या उनके लवाहिकीन के साथ सख्त कलामी हरगिज न करें, उसने सलूक से पेश आएँ और अपने फ़राइज़ को 100% यकीनी बनाएँ ताकि हुकूमत पंजाब की जानब से मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से अस्पताल में आने वाले मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें।